गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। गनीव, यू नो दैट मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी दिस। दिस ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। देर आर मैनी रीजन्स फॉर इट। कैन यू प्लीज टेल मी द रीजन्स वाई दिस मैन्योर इज बेटर देन fertilizers? Can you please tell? Can you please tell me? Manure improves the texture of the soil. Okay. Manure water holding capacity जो होती है soil की उसे increase करता है। सॉइल को पोरस बनाता है जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है। मैन्योर माइक्रोब्स का प्रोडक्शन बढ़ाने में भी काम आता है और सॉइल के टेक्सचर को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। आफ्टर दैट वी हैव इज कि मैन्योर आपका और क्या क्या काम करता है। There are various methods of replenishing the soil. इसमें होता क्या है बेटा, जो न्यूट्रेंट जैसे कि नाइट्रोजन क्रॉप रोटेशन के थ्रू दोबारा से फिल कर दिए जाते हैं। क्रॉप रोटेशन की बात करने से पहले कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें, हमें लिग्मिनस प्लांट्स या लिग्मिनस क्रॉप्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। पल्सेस, पीस, बीन्स, यहाँ ध्यान दीजिए, ग्राउंडनट, ग्राम यानी चना, क्लोवर, बरसीम, ये सब लिग्मिनस क्रॉप्स हैं। रूट नोड्यूल जो होते हैं लिग्मिनस प्लांट्स के, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम कहा जाता है। ये इसका काम क्या होता है, ये डायरेक्टली फिक्स यानी कि कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस को जो एयर में प्रेजेंट है, उससे नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लिग्मिनस क्रॉप्स जो है इनकी एक एबिलिटी होती है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में फिक्स करते हैं। कनी, आई वांट यू टू पे योर अटेंशन। नाइट्रोजन कंपाउंड्स सॉइल में जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। साथ साथ अंडरलाइन करते रहिए, इनमें से कई नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स हैं वो लिग्मिनस क्रॉप के द्वारा यूज किए जाते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, और बाकी जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है वो सॉइल में छोड़ दिए जाते हैं। तो अगर आप प्लांट करना चाहते हैं लिग्मिनस क्रॉप को, जैसे कि पल्सेस, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, इन सबको, तो इसका मतलब है आपकी सॉइल क्या होनी चाहिए गनीव, नाइट्रोजन रिच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब मैं चाहूंगा आप नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करें। Nitrogenous fertilizer is not required for growing leguminous crops. On the other hand, cereal crops like wheat, maize, paddy and millet etc. are non-leguminous crops. Thank you, Ganim. देखिए, अगर आप प्लांट करना चाहते हैं leguminous crop को फील्ड के अंदर, तो उसका सेम इफेक्ट आएगा जैसे कि आप कोई नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर फील्ड में ऐड करें, क्योंकि leguminous crops जो होती हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, फिक्स कर देती हैं बाय यूजिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स। इसी वजह से जो नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर है लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करने के लिए उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट, मेज, पैडी, मिलेट, ये सब नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, तो इनके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है जिससे नाइट्रोजन गैस को फिक्स कर सके, एयर की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो ये सब पॉइंट हमें माइंड में रखने हैं और क्रॉप रोटेशन की हम बात करेंगे। अंडरलाइन कीजिए,
आप सॉइल की अंडरलाइन कीजिए, जब मैं बोलता हूं अंडरलाइन कीजिए, व्हाई यू आर नॉट अंडरलाइनिंग, आई वांट यू टू अंडरलाइन. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय क्रॉप रोटेशन. प्लीज अंडरलाइन कीजिए. एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स हैं, चाहे वो लिग्मिनस हैं चाहे वो नॉन लिग्मिनस हैं, वो ग्रो करते हैं ऑल्टरनेटिवली, एक छोड़कर, एक सीजन को छोड़ के दूसरे सीजन में सेम ही फील्ड में. इसे क्या कहा जाता है? क्रॉप रोटेशन कहा जाता है. क्रॉप रोटेशन में सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट, मेज, पैडी, इन्हें ऑल्टरनेटिवली ग्रो किया जाता है लिग्मिनस क्रॉप्स के साथ, जैसे कि पल्सेस, पीज, बीन्स या ग्राउंडनट, सेम ही फील्ड के अंदर. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी सीरियल क्रॉप है कोई, जैसे कि मेज क्रॉप, उसे आप पहले ग्रो कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी नाइट्रोजन सॉइल से ले लेगा ग्रोथ के लिए, और वो सॉइल में क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी. और अगली बार जो लिग्मिनस क्रॉप होगी जैसे कि पल्सेस या ग्राउंड नट, वो ग्रो किए जाएंगे सेम फील्ड के अंदर, तो जो लिग्मिनस क्रॉप होगी वो उसका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल को एनरिच कर देगा. किसके साथ? नाइट्रोजन कंपाउंड्स के साथ, और फर्दर उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा. जब एक और सीरियल क्रॉप जैसे कि वीट, वो आप ग्रो करते हैं उसके बाद, तो वीट कैन यूटिलाइज दिस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल फॉर इट्स ग्रोथ एंड प्रोड्यूस अ बम्पर क्रॉप. तो इस तरीके से हम रोटेशन करेंगे क्रॉप्स का, और क्रॉप का जो रोटेशन है उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि क्रॉप के रोटेशन से फर्टिलिटी सॉइल की इम्प्रूव होगी, आप सॉइल को फिर से नाइट्रोजन रिच बना सकते हैं. इस वजह से ही फूड ग्रेन के अंदर, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा. अब मैं चाहूंगा गनीव आप सेकंड पॉइंट रीड करें जरा, ये वाला रोटेशन ऑफ क्रॉप्स वाला. यहां से पढ़ लीजिए. नहीं नहीं, यहां से. रोटेशन ऑफ क्रॉप सेव्स अ लॉट. Sorry, the leguminous crops grown during the rotation of crops can fix atmospheric nitrogen with the help of other nitrogen fixing bacteria, and there is no need to add nitrogenous fertilizer to the soil. देखिए, क्रॉप्स का जो रोटेशन है गनीब, वो काफी सारा टाइम आपका बचाएगा. ऐसा इसलिए होता है, और आपके नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर को भी बचाएगा. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिग्मिनस क्रॉप है वो ग्रो करेगी ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देगी विद द हेल्प ऑफ देयर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. और नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर फर्दर आपको ऐड कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इसके बाद बात करेंगे इरिगेशन की. इरिगेशन का मतलब पता का नहीं आपको? वाटर की सप्लाई. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन. आपको पता है हर क्रॉप प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए. क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और जितना ज्यादा वाटर होगा सॉइल में, अगर अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल के अंदर कांस्टेंट नहीं होगा पूरे साल, तो सॉइल से जो वाटर होगा लगातार इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा लूज हो जाएगा, और जो परकोलेशन होगा लोअर डेप्थ टू द ग्राउंड पर, पानी की कमी हो जाएगी. राइट, तो इस वजह से वाटर की सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए. आपको भी पता है कि हम पानी के बिना ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते. सेम वे में प्लांट्स भी वाटर के बगैर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते. अगर आप अपने पौधों में पानी डालना बंद कर दें घर पर थोड़े समय के लिए गनीम, तो क्या होगा? प्लांट्स पेल हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली मर जाएंगे. वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स ऑफ प्लांट्स के द्वारा, और वाटर के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं क्रॉप प्लांट्स के द्वारा. प्लांट्स में लगभग 90% वाटर होता है. अब ये बड़े इजी पॉइंट है गनीम, मैं चाहूंगा आप रीड कर लें कि इरिगेशन क्यों जरूरी है.
थोड़ा सा लैपटॉप के पास आके बोले सर, ई टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स सर, बिकॉज सीड्स डू नॉट ग्रो इन ड्राई सॉइल. Irrigation is necessary to maintain the moisture of soil for healthy crop growth so as to get good yield. Yield matlab production. Irrigation is necessary for the absorption of the nutrient elements by the plant from the soil. Irrigation water dissolves the nutrients present in the soil to form a solution. The solution of nutrients is then absorbed by the roots for the development of plants. Water supplied to the crop during irrigation protects the crop plant from hot air current as well as frost. देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कि इरिगेशन क्यों नेसेसरी है. इरिगेशन प्लो करने से पहले, फील्ड को प्लो करने से पहले सॉइल को सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से प्लोइंग जो होता है वो इजी हो जाता है. इरिगेशन काफ़ी नेसेसरी है ताकि मॉइस्चर सीड्स को जर्मिनेट होने पर मिल सके, क्योंकि सीड्स जो है ड्राई सॉइल में ग्रो नहीं होंगे. इरिगेशन मॉइस्चर ऑफ सॉइल को मेंटेन करेगा ताकि हेल्दी क्रॉप ग्रोथ हो. इसके अलावा इरिगेशन जो है काफ़ी नेसेसरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रंट्स एलिमेंट्स के लिए बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल. इरिगेशन वाटर डिजोल्व करेगा सारे न्यूट्रिएंट्स को जो सॉइल में प्रेजेंट है और एक सॉल्यूशन बनाएगा, और यही जो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रिएंट्स का ये फिर रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा ताकि प्लांट्स डेवलप हो सके. वाटर आपको सप्लाई करना है क्रॉप्स में इरिगेशन के दौरान, ये प्रोटेक्ट करेगा क्रॉप प्लांट्स को हॉट एयर करंट से, गर्म हवाओं से भी बचाएगा. इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं. गनीव क्या आप बताएंगे मुझे कौन से ऐसे तीन फैक्टर्स हैं? वेरी गुड. नेचर ऑफ द क्रॉप, नेचर ऑफ द सॉइल एंड सीजन. देखिए हर क्रॉप, रबी और खारिफ मैंने बताया था आपको, हर क्रॉप को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है अलग अलग स्टेजेस के दौरान और राइपनिंग के दौरान. कई ऐसी क्रॉप्स हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है जैसे कि पैडी, जबकि कई ऐसी हैं जिन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है. एग्जाम्पल के तौर पर पैडी क्रॉप यानी कि राइस क्रॉप, इसको स्टैंडिंग वाटर, मैंने पहले भी बताया था, रुके हुए पानी में इसे बोया जाता है राइस को, और लगातार इसे इरीगेशन की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्रॉप जैसे कि वीट, ग्राम, चना, कॉटन, इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती. सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट, इसे इरिगेशन की जरूरत सिर्फ तीन स्टेजेस पे पड़ती है, जब आप फील्ड प्लो करने वाले हैं, जब एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन. ये बात आपको ध्यान रखनी है. दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सॉइल्स के जिनमें क्रॉप्स ग्रो की जाती है. कौन कौन सी सॉइल है वो गनीम? सैंडी एंड क्ले. ऐसी क्रॉप जो सैंडी सॉइल में ग्रो की जाती है उसे इरिगेशन की बार बार जरूरत पड़ती है. फ्रीक्वेंसी जो इरिगेशन की होती है इस क्रॉप्स के लिए क्ले सॉइल के कंपैरेटिवली क्या होती है? क्ले सॉइल में कम होती है. इसे हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, सैंडी जो सॉइल है वो हाईली पोरस होती है और इसकी परमेबिलिटी क्या होती है? काफ़ी हाई होती है. जब आप इरिगेट करेंगे क्रॉप्स को विच आर स्टैंडिंग इन अ सैंडी सॉइल, तो वाटर जो है क्विकली परकोलेट करता है, सॉइल में नीचे की तरफ चला जाता है, पहुंच जाता है, और जो क्रॉप प्लांट्स होते दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर. सो ड्यू टू द पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंडी सॉइल में पानी ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाता है, तो जो क्रॉप्स हैं उन्हें बार बार इरिगेशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ये ध्यान रखना. जबकि क्ले सॉइल की बात करें तो वो लेस परमेबल होती है सैंडी सॉइल की बजाय, जिसकी वजह से वो पानी को काफ़ी ज़्यादा समय तक होल्ड करके रख सकती है. तो जब क्रॉप्स उगाई जाती हैं क्ले सॉइल में,
उन्हें इरिगेट किया जाता है, तो वाटर जो सॉइल में रह रहा है लॉन्ग समय तक, और जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को एडिकेट अमाउंट में। ये बेटर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी की वजह से भी जो क्रॉप्स हैं वो कल्टीवेट करती हैं क्ले सॉइल में, और इरिगेशन की फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऐसे क्रॉप्स के लिए सीजन टू सीजन भी वेरी करता है। इरिगेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो समर में हाई होती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में आपको पता ही है रेट ऑफ इवेपोरेशन भी फास्ट होता है और पानी जल्दी इवेपोरेट होता है एज कंपेयर टू विंटर्स, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन जो है विंटर्स में कम होती है। अब बात करेंगे क्या क्या सोर्सेज हैं इरिगेशन के। आप बताएंगे कि नहीं मुझे कि आपको इरिगेशन के लिए पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है? वेरी गुड। इसके अलावा जो वाटर्स वेल्स में अवेलेबल है, लेक्स में अवेलेबल है, कैनाल्स में अवेलेबल है, उन्हें हम अलग अलग मेथड से अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप से फील्ड्स तक पहुंचा सकते हैं। अब वन बाय वन सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करेंगे जो इरिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। क्या आप बताएंगे गनी कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड हैं? मोर पुली सिस्टम, जेल पंप, ढेकली सॉरी एंड राहत। सो दीज आर द फोर सिस्टम्स, वी विल टॉक वन बाय वन अबाउट दैट। सबसे पहले हम बात करेंगे मोट की। मोट का जो सिस्टम है इरिगेशन का, इसमें पानी को कुएं से निकाला जाता है, वेल से निकाला जाता है। उसके लिए हम बड़े बड़े कंटेनर यूज करते हैं जो एक लॉन्ग रोप के साथ बंधे होते हैं। जैसे कि आप ये कंटेनर है और ये एक रस्सी के साथ बंधा हुआ आप देख सकते हैं, और ये पुली है। ये अपनी बुक में प्लीज मार्क कर लीजिए, पुली है, ये रोप है, और ये क्या है, फार्मर के हैंड में ये कंटेनर है, ठीक है। अब होता क्या है, ये पुली की जो रोप है इसे बुल के एक एंड के साथ, बुल के साथ बांध देते हैं। द रोप इज टाइड टू द कंटेनर इज यूजली पुल्ड बाय द एनिमल्स सच एज बुलक। जब भी रोप को खींचा जाएगा उसके फ्री एंड की साइड की तरफ से, तो कंटेनर जिसमें पानी पूरा का पूरा भरा होगा दूसरे एंड पर, वो वेल से बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। नहीं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए बनाया हुआ। ये फार्मर ये जो पानी आया है इसे अपने खेतों में अपने फील्ड्स में थ्रो कर देगा और कंटेनर को एम्प्टी कर देगा। यही वाटर फिल्ड कंटेनर बार बार इस तरीके से वेल से बाहर निकाला जाएगा बुलक के द्वारा, और फील्ड्स में कॉन्टिन्यूसली इरिगेशन पर्पजेस के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा है चेन पंप। चेन पंप एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम वाटर को लिफ्ट करेंगे किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से, जैसे कि किसी भी स्ट्रीम से, पॉन्ड से या लेक से, ताकि हम इरिगेशन प्रोवाइड कर सके फील्ड में। चेन पंप में दो बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, एक फिक्स होता है लोअर लेवल ऑफ वाटर पर और दूसरा फिक्स होता है हायर लेवल पर फील्ड के बजाय। मैं आपको फिगर से दिखाना चाहता हूँ गनीव, ये देखिए, ये एक लोअर व्हील है और ये एक अपर व्हील है। इनके साथ देख रहे हो ये कंटेनर्स हैं, ये देख रहे हो, कंटेनर ऐसे डिप होगा, ये एक चेन है, पुली सिस्टम की तरह ये वर्क कर रहा है। ये देखिए सोर्स ऑफ वाटर है, वहां से फिल होगा, यूं इस तरीके से जाएगा एम्प्टी बकेट, और पानी ये फील्ड्स में थ्रो कर दिया गया, देख रहे हो। इस तरीके से ये काम चलता रहेगा पूरा का पूरा। दो व्हील्स जो हैं चेन से कनेक्टेड हैं, चेन छोटी छोटी बकेट्स कंटेन करती है। बॉटम वाले व्हील के नीचे सोर्स ऑफ वाटर है, कुछ भी हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है। तो इस तरीके से वाटर फील्ड तक जाएगा, एक हैंडल अटैच है आपको पता है एक्सेल के साथ अपर व्हील के, जब भी वो फॉर्वर उसको रोटेट करता है तो जो व्हील होगा चेन के साथ घूमने लग जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली आप वाटर भरते रहेंगे और फील्ड्स में फार्मर जो है उसे थ्रो करता रहेगा।
इसके बाद बात करेंगे अलग सिस्टम की, ढेकली। मैं चाहूंगा आप एक बार रीड करें, ढेकली क्या है? Beam is supported over a forked vertical support in the ground near the well in such a way that its longer arm is towards the well and the shorter arm away from it. A bucket is tied to the end of the longer arm with a rope in such a way that it hangs over the mouth of the well. A well is tied to the end of the shorter lever arm. In order to lift water from the well, the end of the longer lever arm carrying the bucket is pulled down by the rope. When the bucket is lowered into the well, it gets filled with water. On releasing the rope, the weight attached to the end of the shorter lever arm comes down and lifts the water-filled bucket out of the well. Thank you, Ganeem. ढेकली एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे हम वाटर को लिफ्ट करते हैं शैलो वेल से, उसमें सिंपल लीवर टेक्निक को फॉलो करते हैं। ढेकली का मतलब क्या है? इसका मतलब है लेवर बीम ऑफ वेल। ढेकली एक लॉन्ग वुडन बीम है, ये देख रहे हैं ना आप, यही ढेकली है पूरा, ये जो सेटअप बना हुआ है। इसे सपोर्ट किया गया है एक फॉक वर्टिकल सपोर्ट के साथ, ये देख सकते हैं आप, ये एक वर्टिकल सपोर्ट है जो ग्राउंड में फिक्स है वेल के पास। और ऐसे है कि जो इसकी ये लॉन्गर वाली आर्म है, ये वाली लॉन्गर आर्म है, प्लीज अपनी बुक में भी मार्क करते रहिए, लॉन्गर आर्म वेल के टुवर्ड्स होगी और ये शॉर्टर आर्म है, ये वाली। और शॉर्टर आर्म कहाँ होगी? उससे दूर होगी। बकेट ध्यान से देखिए टाइट है, ये बकेट टाइट है लॉन्गर लिवर आर्म के साथ, रोप के साथ। और इस तरीके से ये है कि ये बंधी हुई है और ये वेल के माउथ के ऊपर है। अब वेट को हमने यहाँ टाई कर दिए, देखो वेट है ना इसके साथ, ये वेट है स्टोन से, आप देख सकते हैं वेट को टाई कर दिया है हमने फ्रॉम द एंड ऑफ द शॉर्टर लिवर आर्म। अगर आप चाहते हैं पानी को लिफ्ट अप करना वेल से, तो जो लॉन्गर एवर आर्म है जो बकेट को पुल कर रही है रोप के द्वारा, अब जो ये बकेट है ये मतलब क्या होगा, ये नीचे जाएगा वेट और ये ऊपर जाएगा, और अगर ये वेट रिलीज करोगे बेटा तो ये चीज नीचे जाएगी, पानी भर जाएगा, फिर यहाँ वेट डालोगे तो ये हैवी हो जाएगा, ये सीसॉ की तरह, ठीक है? बिल्कुल वैसे इस तरीके से पानी बाहर आ जाएगा, और वो पानी आप गनीव किसके लिए यूज करेंगे? इरिगेशन पर्पसेस के लिए। अगला मैं चाहूंगा राहत, इसके बारे में पढ़े। जोर से पढ़ी है तभी सुनाई देगा। By the force of bullocks or other animals such as buffalo or camel, when the bullocks move along the horizontal of the lever system by going around the ground. Okay, तो राहत सिस्टम में आप क्या देखते हैं गनीव? पानी वेल से निकाला जाता है। इस मेथड में एक बड़ा सा व्हील है, आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा व्हील है जो फिक्स है एक्सेल के ऊपर अबव द माउथ ऑफ द वेल, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में भी, ये वेल के माउथ के ऊपर फिक्स है, और एक बड़ी सी बेल्ट है जिसमें छोटे छोटे मेटल पॉट्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये मेटल पॉट्स हैं, राइट? ये रखे हुए हैं कहां पर? सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग वेल पे, ये सर्कमफ्रेंस पर है, और ये मूव करेंगे व्हील के ऊपर जब व्हील टर्न करेगा। जो लोअर एंड है लॉन्ग बेल्ट का, पॉट्स का, वो वाटर में डिप होगा, वहां से देखो वो बकेट फिल हो जाएगी पानी से, और लगातार ये ऐसे रोटेट करता रहेगा। ये बिग व्हील जो है लिवर सिस्टम में, इस पे बुलक के साथ ही अटैच होता है, वो फोर्स लगाएंगे और ये
पानी को फिल करेगा। जब बुलेक्स मूव करेंगे लॉन्ग हॉरिजॉन्टल हैंडल ऑफ लिवर सिस्टम के साथ राउंड राउंड, कोलू का बैल कहते हैं इसे, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, दिखाऊंगा आपको। तो बिग व्हील जो है वो रोटेट करेंगे, व्हील रोटेट करेगा तो जो वाटर फिल पॉट्स हैं बाहर आएंगे और उसको आप इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब पुरानी टेक्निक्स है। आजकल कौन सी टेक्निक फॉलो होती है? पंप्स का यूज किया जाता है। ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, हर फील्ड में आपको मॉडर्न फील्ड में यही मिलेगा। ह्यूमन लेबर, कैटल्स, ये सब पानी को लिफ्ट, वो ट्रेडिशनल मेथड है इरी। आजकल पंप सबसे कॉमनली ये वाटर को लिफ्ट अप करते हैं ग्राउंड वाटर को और वही वाटर की सप्लाई फील्ड में करते हैं। पर ये जो पंप होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस या सोलर एनर्जी पे चलते हैं। जब भी किसी पंप को हम यूज करेंगे पानी निकालने के लिए, इसे हम ट्यूबवेल कहते हैं। ट्यूबवेल आजकल ज्यादातर यूज होते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर यूज होता है इरिगेशन पर्पसेस के लिए। अब हम कुछ मॉडर्न मेथड्स की बात करेंगे, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये आपने स्प्रिंकलर सिस्टम देखा होगा पार्क्स वगैरह में, देखा है कि नहीं? वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है क्रॉप प्लांट्स पर, ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन ज्यादा यूजफुल है अनइवन लैंड के लिए और जब सफिशिएंट सप्लाई वाटर का अवेलेबल ना हो तब उस चीज के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, वेक अप। स्प्रिंकलर सिस्टम सैंडी सॉइल के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्प्रिंकलर आपने पार्क्स में भी देखे होंगे कई बार। अगला है ड्रिप सिस्टम। मैं चाहूंगा आप रीड करें गनीब ड्रिप सिस्टम के बारे में। आप बस एडवांटेज पढ़ लीजिए इसकी। Drip irrigation system minimizes the use of water in agriculture. The drip irrigation system of irrigation is very useful in those regions where the availability of water is low. देखिए जो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ना गनीव, इसमें नेटवर्क होता है नैरो पाइप्स का या ट्यूब्स का और उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हें फील्ड में बिछा दिया जाता है। जब पानी इन नैरो पाइप से आता है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो भी पर्टिकुलर पोजीशन है रूट्स का वहीं पर ही गिरता है। वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है सॉइल के द्वारा रूट जोन के अंदर जो प्लांट्स की है और फर्दर यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। कोई भी वेस्टेज नहीं होता इरिगेशन वाटर का। ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट टेक्निक है जिससे हम प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, ट्रीज, गार्डन, इनको पानी देते हैं क्योंकि इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है और इसके अलावा पानी का भी कम लॉस होता है, तो ये काफी यूजफुल है। और जहां पे भी पानी कम मात्रा में प्रेजेंट है वहां पे ये सिस्टम यूज होता है। वीड्स, मैंने पहले भी बताया था, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ ही, कल्टीवेटेड क्रॉप के साथ ही, उन्हें वीड्स कहते हैं। अब होता क्या है बेटा, ये है ना काफी वो लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं सॉइल से, वैसे यूज करते हैं जिससे मेन क्रॉप पर काफी असर पड़ता है, उसकी यील्ड यानी कि प्रोडक्शन काफी कम हो जाती है, राइट। अधिकतर जो वीड्स होती है उन्हें अप्रूट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है जब फील्ड्स को प्लो कर रहे होते हैं, पर कई बार वो रीअपियर हो जाती है जैसे जैसे क्रॉप ग्रो होती है। टाइप ऑफ वीड्स के बारे में पढ़ेंगे जरा गनीफ, यहाँ से द टाइप ऑफ वीड्स वेरी। Weeds are wild oat, grass, amaranthus, and chenopodium. Wild oat is known as javi,
ग्रास इज नोन एज घास, अमरंथस इज नोन एज चौलाई, एंड चेनोपोडियम इज नोन एज बथुआ। वेरी गुड, ये कुछ टाइप्स ऑफ वीड्स हैं जो आपने रीड किए। वीड्स जो होती हैं काफी हार्मफुल होती हैं क्रॉप्स के लिए, उन्हें फील्ड से जरूर रिमूव किया जाना चाहिए। और ये जो प्रोसेस होता है वीड्स को रिमूव करने का क्रॉप फील्ड से, इसी को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग काफी नेसेसरी है क्योंकि वीड जो है वो क्रॉप प्लांट से वाटर के लिए कम्पीट करती है, न्यूट्रिएंट के लिए और लाइट और स्पेस के लिए। तो इसी वजह से जो इफेक्ट होगा ग्रोथ ऑफ क्रॉप का वो पड़ता है। कई वीड्स पॉइजनस भी होती हैं ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए, और कई वीड्स जो है वो हार्वेस्टिंग में भी काफी इंटरफेयर करती हैं। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है वीड के रिमूवल का वो तभी है जब वो फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। वीडिंग मैनली की जाती है हाथ के द्वारा या खुरपा, खुरपी इसे ट्रॉवल भी कहते हैं, इसके द्वारा की जाती है वीड्स। ये देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, ये ठीक है, ये एक ट्रॉवल है। अब मैं चाहूंगा गनीव आप ये दो पॉइंट्स पढ़ें कि क्या ऐसे मेथड हैं जिससे हम वीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। Crop fields by pulling the weeds. When you pull the weeds, they get uprooted from the field. These can be thrown away, while they can otherwise be removed by digging or cutting them close to the ground from time to time with the help of an implement called trowel. It is shown in figure 23. Okay, तो या तो हाथ से करते हैं manually या trowel से करते हैं, आप देख ही सकते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़िए, नेक्स्ट पेज पर है। Destroying the weeds by spraying special chemicals called weedicides. जैसे pesticide होते हैं वैसे ही weedicide होते हैं, आगे पढ़िए। Poisonous chemicals which are used to kill weeds in the spraying fields are called weedicides. One of the common weedicides are 2,4-D, MCPA and Butchler. नाम याद रखना। The solution of the weedicide in water is sprayed on the unwanted plants, but do not damage the main crop. The weedicides are sprayed in the crop fields before the flowering and seed formation in the weeds take place. Since the weedicides are poisonous chemicals, therefore spraying of weedicides may affect health of a person who handles the weedicide sprayer. The weedicide should be sprayed on the health standing crops very carefully. During the spraying of weedicides, the person should cover his or her nose and mouth properly with a piece of cloth. Pesticides की तरह ही होते हैं ये weedicide. तो जो भी person इन्हें spray कर रहा है अपना मुंह अच्छे से, मतलब क्योंकि harmful हो सकते हैं ना, ठीक है? आगे बढ़िए। इसके बाद बात करेंगे harvesting की। Harvesting में जो भी आपकी crop है उसको cut किया जाता है। जो instrument use किया जाता है उसका नाम है sickle. The cutting and gathering of the matured food crop. जैसे अभी अप्रैल का टाइम है, वीट कट हो रहा होगा इससे, हाँ बैसाखी पर कट होना शुरू हो जाता है लगभग, ठीक है? हाथ से कट किया जाता है, कटिंग टूल है सिकल। ये मैनुअल हार्वेस्टिंग है। जहां बड़े बड़े फील्ड्स हैं वहां पर मोटराइज मशीन्स आती है, उन्हें हार्वेस्टर कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम ग्रेन्स को अलग करते हैं ना, जो प्लांट्स होंगे हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स होंगे उसे थ्रेशिंग कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। और एक मोटराइज्ड मशीन होती है उसे कहते हैं थ्रेशर। ये अभी आपको मथुरा रोड पे घूमते हुए दिख जाएंगी ये मशीन इस समय। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं शाफ और हे के साथ विंड की हेल्प से, उसे विनोइंग कहते हैं। इसके अलावा कंबाइन, ध्यान से देखिए, एक बहुत बड़ी सी मशीन है जो कट करती है स्टैंडिंग सीरियल क्रॉप को, जैसे कि वीट को फील्ड्स में, थ्रैश करती है उसे और सेपरेट कर देती है शाफ को ग्रेन से। अब मैं चाहूंगा गनीव आप ये दो पॉइंट्स रीड करें कि जो क्रॉप प्लांट्स रह गए हैं फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, कई बार फार्मर उनको जला देते हैं और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी को स्टबल बर्निंग कहते हैं।
दो पॉइंट्स पढ़िए बस ये. Plants in the fields causes air pollution. The burning of stumps in the fields may cause accidental fire to the harvested crop lying in the fields and damage it. Air pollution cause होगा. अगर आप स्टबल को बर्न करेंगे तो और एक्सीडेंटल फायर भी लग सकती है. अब जो ये फूड ऐसे स्टोर कैसे करें, ये जो फूड ग्रेन्स है गनीव वीट के, इन्हें ड्राई किया जाता है धूप में ताकि इसमें से मॉइस्चर निकल जाए. जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा फूड ग्रेन के अंदर उससे फंगस ज्यादा ग्रो होगा और यू नो मोल्ड कर जाएगा स्टोर्ड ग्रेन्स के ऊपर जिससे वो खराब हो जाएगा. जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है फूड ग्रेन का दो तरीके से होता है. एक होते हैं गनी बैग, हिंदी में इसे कट्टा कहते हैं, और एक होता है ग्रेन सिलोज. ये सिलोज आप अगर NIT2 आएंगे ना तो ऐसे सिलोज आप देख सकते हैं सबसे हाँ बड़े बड़े वहां पर ऐसे स्टोर किया जाता है. ठीक है, ये गुनी बैग्स और ये आपके सिलोज फिगर में आप देख सकते हैं. गनी बैग मेथड फूड ग्रेन के लिए स्टोर किया जाता है और सिलोज भी ये यूज किए जाते हैं बल्क स्टोरेज, ज्यादा मात्रा में स्टोर करना. अब इसके बाद बात करेंगे ऐसा फूड जो हमें एनिमल से मिलता है. सभी को पता है एनिमल से हमें मिल्क एग्स या मीट्स मिलते हैं. ठीक है, एनिमल्स जो ऐसा फूड देते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो मिल्क यील्डिंग होते हैं या मीट और एग यील्डिंग होते हैं. मिल्क यील्डिंग में आपको पता ही है काओ बफेलोज गोट मिल्क ये सब आ जाते हैं. और जो एग्जाम्पल है मीट और एग यील्डिंग एनिमल्स के गोट शीप फिश ये सब आ जाते हैं. एनिमल हस्बेंड्री ये एक ऐसा प्रोसेस है एग्रीकल्चर का जो डील करेगा फीडिंग शेल्टिंग हेल्थ और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल के साथ. इसी को क्या कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री. गनीब क्या आप बताएंगे क्या प्रैक्टिसेस की जरूरत पड़ेगी एनिमल्स को रेज करने के लिए. प्रॉपर ब्रीडिंग की, ठीक है, और फिश को भी आपको पता ही है लोग खाते हैं. फिश रिच होता है प्रोटीन्स में, हाईली न्यूट्रिशियस है और इजीली डाइजेस्टेबल है. फिश का लिवर ऑयल विटामिन ए में रिच होता है और विटामिन डी में. कॉड लिवर ऑयल जो होता है वो विटामिन ए और डी दोनों में रिच होता है. तो क्लास ये आज हमारी वीडियोग्राफी इसकी खत्म. थैंक यू.